गाड़ी क्या हो रही है भाई? गाड़ी बंद पड़ रही चलते पे, गाड़ी चलते बंद पड़ रही। दूसरा क्या? सीएनजी ज्यादा खा रही मुझे, सीएनजी ज्यादा इसको लग रहा खा रही है। और ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, इतना खाली बता रही है यहाँ। असल में गाड़ी में दोस्तों चिकलेट चालू हो रही है, और चिकलेट क्यों चालू हो रही है हमको पता नहीं है, लेकिन इसको पता करने के लिए दोस्तों अपने पास कोई स्कैनर या ओबीडी होना ही चाहिए, नहीं तो क्या रहेगा। ये भाई ने बोले गैस खा रही, तुम्हें क्या लगेगा ऑक्सीजन सेंसर खराब है। तो हाय दोस्तों, कल दोस्तों एक मैं वीडियो डालने वाला हूँ BS6 के ऊपर। दोस्तों BS6 के अंदर जो इश्यू होता है, जिसके अंदर दोस्तों 44 पिन होती है, बट मैंने जब उसको गिना दोस्तों उसके अंदर, तो उसमें सिर्फ 43 वायर होते हैं। उन 43 वायर के अंदर कल मैंने अब दोस्तों मल्टीमीटर लेके चेक करा, तो उसके दोस्तों मैंने क्या देखा कि उसके अंदर दोस्तों बैटरी के 7 वायर के अंदर 12 बोल्ट की सप्लाई आती है, जबकि ECU को चलाने के लिए एक वायर दोस्तों चॉकलेटी कलर का होता है, उसमें एक दोस्तों एक हल्की सी काली धारी होती है, वही दोस्तों एक मेन वायर होता है दोस्तों जो ECU को चलाने का काम करता है। लेकिन क्या है कि जो बाकी वायर के अंदर दोस्तों सप्लाई आ रही है 12 बोल्ट की, वो क्या सच में सप्लाई ECU के अंदर दे रही है या फिर वो खाली अर्थिंग है? तो दोस्तों उसके बारे में जानेंगे। तो कल दोस्तों वीडियो में अपलोड करूंगा कि वो कौन से 7 वायर में दोस्तों करंट आता है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको ना एक रिले दिखाऊंगा एक सेकंड में, और समझाने की कोशिश करूंगा कि हो सकता है वो ECU के अंदर जो सप्लाई पावर आ रही है वो रिले की वजह से आ रही है। ओके, अब दोस्तों मैं आपको ना प्रैक्टिकली समझाने की दोस्तों कोशिश करूंगा। जैसे कि दोस्तों ये रिले है, आपको पता है ये जो रिले दोस्तों किस तरह से काम करता है। जैसे कि दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे दोस्तों टोटल 4 पिन है, और एक पिन दोस्तों ये है बीच वाली। ओके, इसके अंदर दोस्तों हम क्या करेंगे, अगर एक बार मेन पावर देंगे दोस्तों तो ये वाले से दोस्तों मेन पावर जाने वाला नहीं है, जब तक दोस्तों जैसे कि इसके एक बार पे मेन पावर और एक पे अर्थिंग ना मिले तब तक दोस्तों ये वायर का कनेक्शन ये वायर पे आने वाला नहीं है। ओके, तो हम क्या करते हैं कि जैसे कि हमारा ECU गाड़ी में लगा है दोस्तों, ECU लगा हुआ है और गाड़ी में दोस्तों रिले भी लगा हुआ है। ओके दोस्तों, तो क्या होता है रिले में दोस्तों, मान लीजिए ये बैटरी से दोनों दोस्तों 12 बोल्ट की सप्लाई कहाँ पे आती है दोस्तों, अपने दोस्तों इसमें आती, इस वाले। अब इसमें दोस्तों अपने क्या चाहिए, अर्थिंग। जब दोस्तों इसमें अर्थिंग मिलेगी ना तभी ये वाले वायर का पावर इसके अंदर आएगा, क्योंकि देखो क्या होता है एक मेन पावर इसके अंदर आ गया है ना, उसके बाद दोस्तों एक पावर इसमें मेन आएगा। ओके, उसके आगे पावर जाने के लिए दोस्तों इस वायर में अर्थिंग चाहिए, जब इसको अर्थिंग मिलेगी तभी दोस्तों ये वाले पिन से आगे पावर जाएगा। अब फंडा ये बताने का मसला क्या दोस्तों, जो कल मैं वीडियो दोस्तों अपलोड करूंगा उसमें दोस्तों कुछ वायर ऐसे होते जो ECU को दोस्तों ECU से अर्थिंग लेते। ओके दोस्तों, क्या लेते, अर्थिंग लेते। बट क्या होता है जब हम ECU निकाल के चेक करेंगे उसको ना, तो दोस्तों 12 बोल्ट की सप्लाई दिखाएगा। क्यों दिखाएगा मालूम है क्या? क्योंकि ये देखिए अभी यहाँ से दोस्तों मैंने दिख रहा आपको 12 बोल्ट की सप्लाई मैंने पावर दोस्तों दिया हूँ इस वायर से दोस्तों, कहाँ पे दोस्तों ये वाली मैंने पिन में दिया हूँ। ओके, अब दोस्तों जब ये वाली पिन में पावर आ चुका है दोस्तों, तो ये वाले पिन में दोस्तों मुझे एक देना है, क्या देना है, अर्थिंग देना है। ओके, अर्थिंग देने के बाद में दोस्तों क्या होगा, रिले काम करेगा। बट जब इस पे दोस्तों मैं चेक करूंगा ना मल्टीमीटर से दोस्तों, तो इसमें बैटरी का 12 बोल्ट का सप्लाई दिखाएगा। जो कल वीडियो में आपको दिखाऊंगा ना उसमें कुछ अर्थिंग के वायर भी दोस्तों जो रिले से आए हुए, बट जब मैं दिखाऊंगा आपको दिखाऊंगा उसमें 12 बोल्ट सप्लाई आती है, बट वो सप्लाई नहीं होती है, उसमें अर्थिंग जाती दोस्तों। ओके, ये बाकी जो चीज़ें रहेंगी ना मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, बट कल की जो वीडियो आएगी वो आपको सिर्फ समझाने के लिए है कि कभी आप दोस्तों कंफ्यूज मत होना। ओके, अब दोस्तों आप देखोगे ना यहाँ पे दोस्तों मेन पावर आ गया है, कहाँ से आ गया है, बैटरी से, और एक दोस्तों मैंने इसमें दोस्तों अर्थिंग दिया हूँ, कौन से अपने मल्टीमीटर के वायर को दिया हूँ, और दूसरा छेड़ा दोस्तों मेरे हाथ में है दोस्तों, है ना। आप जब देखोगे ना दोस्तों कि जब मैं इसको यहाँ टच करता हूँ तो आप देखो दोस्तों वहाँ 12 बोल्ट की सप्लाई आ रही है, दिख रहा आपको, यहाँ पे टच कर दोस्तों 12 सप्लाई आ रही है, और प्लस इसमें टच करूँगा इसमें नहीं आनी चाहिए, बट देखो टच कर रहा हूँ तो सप्लाई आ रही है। ये क्यों आ रही दोस्तों, जब इसको दोस्तों अर्थिंग मिलेगा ना तो ये सप्लाई आना बंद हो जाएगा। ओके फ्रेंड, उसके बाद दोस्तों रिले काम करेगा, तब तक क्या हो रहा है इसका जो पावर है घूम के दोस्तों इसके अंदर आ रहा है, इसको अर्थिंग चाहिए, जब इसको अर्थिंग मिलेगी दोस्तों तभी दोस्तों यहाँ का जो पावर रहेगा वो इसके अंदर आएगा। ओके फ्रेंड, जो कल की मेरी वीडियो रहेगी ना दोस्तों, जो इसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कुछ वायर के अंदर पावर आते हैं, टोटल 7 पावर है जिसमें बैटरी के
12 वोल्ट सप्लाई आते हैं, जिसमें से दोस्तों एक मेन अपना ईसीयू है जो ईसीयू कंट्रोल करता है, वो चॉकलेटी का दोस्तों वायर उसमें काली धारी है। ओके फ्रेंड, तो कंफ्यूज नहीं होना। बाकी दोस्तों जो वायर रहेंगे ना, जो रिले से आए हैं दोस्तों, जो ईसीयू का अर्थिंग देते हैं, इसके ऊपर दोस्तों जो टॉपिक रहेगी आने वाले फ्यूचर में दोस्तों, मैं अच्छे से बना के आपको समझा दूंगा। ओके फ्रेंड, तो दोस्तों तब तक ये वीडियो देख लीजिए। बाकी जो वीडियो दोस्तों रहेगी वो जबरदस्त है दोस्तों, मैं कल आपको दिखाता हूँ उसको मैं किस तरह दोस्तों काम किया गाड़ी का। ओके फ्रेंड, आज तारीख है दोस्तों, तारीख क्या भाई, आज दोस्तों 21 तारीख है और कल दोस्तों वीडियो में डालूंगा 22 तारीख को, तो कल की वीडियो बहुत खास रहेगी। ओके फ्रेंड, तो गाइस देख सकते हो ये हमारे सद्दाम भाई, हमारे जानने वाले भाई हैं, हमारे भाई लगते हैं, और फिलहाल में इनकी गाड़ी ये वाली खराब हो चुकी है। तो चलिए इनसे पूछते हैं गाड़ी में इनके क्या हुआ। तो सद्दाम भाई, तुम्हारी गाड़ी में क्या हुआ है भाई? वालेकुम सलाम भाई। चलते चलते बंद पड़ रही है इस समय। हाँ, वो अलीम भाई के पास आए थे काम दिखाने के लिए। हाँ, तो ये मशीन वगैरह लेके आए हैं। हाँ, उसे चेक करेंगे, गैस की गैस भी ज़्यादा खा रही है, अलीम भाई को बताए हैं। हाँ, सेंजी ज़्यादा खा रही है, वो अलीम भाई बोले भी चेक करके बताते हैं। तो गाइस, हमारे जो सद्दाम भाई हैं, इनकी गाड़ी में सी गैस वगैरह कुछ ज़्यादा खा रही है, और फिलहाल में अभी हलीम भाई आने वाले हैं, मशीन वशीन का वो जो रखा हुआ है चेक करने के लिए। तो इनकी गाड़ी अभी हलीम भाई बनाएंगे, फुल जानकारी आपको देंगे किस तरीके से इनकी गाड़ी बनती है, और फिर लास्ट में बताते हैं इनसे पूछ के इनकी गाड़ी बनी है या फिर नहीं बनी है, और कैसी इनकी गाड़ी बनी। तो मिलते हैं लास्ट में। तो ये कुछ टाइम कुछ बता रहे आपको भाई लोग कि गाड़ी क्या हो रही है भाई? गाड़ी बंद पड़ रही चलते पे, गाड़ी चलते बंद पड़ रही। दूसरा क्या? सीएनजी ज्यादा खा रही है मुझे, सीएनजी ज्यादा इसको लग रहा खा रही है। और बस बाकी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है अभी। चलो अपन देखते हैं गाड़ी में क्या है। असल में गाड़ी में दोस्तों चेकलेट चालू हो रही है, और चेकलेट क्यों चालू हो रही है हमको पता नहीं है, लेकिन इसको पता करने के लिए दोस्तों अपने पास कोई स्कैनर या ओबीडी होना ही चाहिए, नहीं तो क्या रहेगा। ये भाई ने बोले गैस खा रही, तुम्हें क्या लगेगा ऑक्सीजन सेंसर खराब है या कहीं से गैस लीक कीजिए। ये भाई बोलते है गाड़ी बंद हो रही है, ऐसा लगेगा ट्रैफिक जाम है या स्टेपर मोटर का फॉल्ट है। ओके, ये सब भाई बता रहे, पर अपन देखेंगे गाड़ी में फॉल्ट क्या है। वो अपने पास जब कोई स्कैनर या ओबीडी 2 या ओबीडी कुछ भी रहेगा दोस्तों ना, तब पता चलेगा गाड़ी में फॉल्ट क्या है। अब देखते ये भाई जो बताए वो सच है कि जो दोस्तों टूल बताएगा वो सच है, अभी देखते एक सेकंड। अभी दोस्तों अपन गाड़ी की चाबी चालू करेंगे, ये देखिए ये चाबी चालू की दोस्तों, और गाड़ी स्टार्ट करेंगे। भाई गाड़ी चालू करो, और ये चेक लाइट दोस्तों बंद होना चाहिए गाड़ी चालू होने पे, बट दोस्तों लाइट बंद नहीं हो रही। ओके, अभी अपन दोस्तों क्या करेंगे ना, गाड़ी पहले बंद करेंगे। भाई गाड़ी बंद करो, गाड़ी बंद कर, अब गाड़ी की चाबी चालू करो, चाबी चालू की। अब दोस्तों अपन देखेंगे गाड़ी में कोड क्या आ रहा है दोस्तों। ओके, ये देखिए बहुत सिंपल है, बहुत बच्चों वाला खेल है दोस्तों, छोटे बच्चे भी आ सकते हैं दोस्तों इसको, बहुत ईजी है। हाँ, ये अपन ने F1 दबाए, दबाने के बाद दोस्तों कोड आ गया दोस्तों, दिख रहा आपको कोड क्या दोस्तों आया, P0118 सर्किट हाई लिखा है। अब इसका मतलब दोस्तों ये हो सकता है, हाई का मतलब कि जो ब्लॉक के अंदर दोस्तों इंजन टेम्परेचर सेंसर जो लगा रहता दोस्तों, हो सकता है उसको वायर टूटा रहे, और ये भाई दोस्तों कुछ और बता रहे थे, है ना। तो चल के देखते वायर टूटा क्या है या कुछ और हुआ है। ओके फ्रेंड, और बाकी जो भाई वो है गैस खा रही, तो गैस की पाइप भी अपन चेक करेंगे, लूज तो नहीं है। ओके, अब दोस्तों ये देखिए, देखते वायर टूटा या कुछ और हुआ है। ओके, क्योंकि जो दिखा रहा था उसके अंदर वो सही है कि गलत पता चलेगा भाई, कहाँ गया वायर भाई, दिखाई नहीं दे रहा मुझे तो। और देखो ये गाड़ी वाला है, दिख रहा है कितना परेशान आत्मा है। कहाँ गया वायर, वायर ढूंढना पड़ा मगज मारी भाई। ये देखिए ये वायर है, वायर टूटा तो नहीं लग रहा है यहाँ से, बट आ रहा तो है, क्यों आ रहा देखना तो पड़ेगा ही ना यार। ये देखो दोस्तों वायर टूटा है इसका, कहाँ टूटा है अभी दिखाई दिया मुझे, एक सेकेंड, ऐसी जगह टूटा है ना जहाँ पे दोस्तों आप कल्पना नहीं कर सकते हो। ये दोस्तों यहाँ टूटा हुआ है, ये दिख रहा आपको, दिखा आपको कहाँ टूटा हुआ है, मैं जूम करता हूँ, देखो ये वायर टूटा हुआ है, अब तो दिख गया रहा आपको, यहाँ पे वायर टूटा दोस्तों दिख रहा है। तो चलिए फटाफट से ज्वाइन करते हैं आपको, और ये दोस्तों ना इसको दबा के अपन अलग कर लेंगे, बहुत ईजी है, दब रहे नहीं है यार, नई नौकरी से डालनी पड़ी लग रहा है, दब गया, ये बाहर हो गया दोस्तों। अब क्या कहें दोस्तों, ऊपर थोड़ा खींच लेंगे अपन दोस्तों। हाँ, ये देखिए ये दोस्तों यहाँ टूटा हुआ है, दिख रहा है आपको, ये टूटा हुआ है। अब दोस्तों का सिंबल से ना
थोड़ा सा फाड़ लेंगे अपन ब्लेड से कि आसानी रहे। ये देखिए इतना फाड़े, ये वाला अपने हाथ में आ गया, ये वाला वायर सोचो है कि ये वायर है। और गाड़ी वाला क्या क्या बता रहा था, तो अपने क्या लगता था कि भाई गाड़ी में कुछ और रहेगा। और गैस का जो मसला बोला ना, ये पाइप देखेंगे कोई लूज टाइट तो नहीं है, बस उसको छीन लेंगे अपन एक बार, उसको जोड़ देंगे। और तो मैं आपको बता रहा पिछली वीडियो दोस्तों, ये वाला दोस्तों कहाँ कहाँ पे गया हुआ है बताना दोस्तों कमेंट में, कहाँ कहाँ पे गया हुआ है हाँ क्या, क्योंकि इसके बारे में बता चुका हूँ कि ये एक बार दोस्तों चार जगह गया हुआ है। ये वही पीला और हल्का काली धारी वाला वायर है दोस्तों, अगर नहीं मालूम पड़ेगा मुझे बोलना दोस्तों, मैं फिर बताऊंगा। और वैसे भी दोस्तों मैं इसके पर वीडियो बनाया हूँ दोस्तों, वायरिंग की पार्ट वन पार्ट टू। अभी इतना छिल गया दोस्तों, अब लगाना है इसके अंदर है। अब लगाने के लिए दोस्तों क्या करें, एक टुकड़ा जोड़ेंगे ज्वाइन करेंगे भाई। तो अभी एक काम करता हूँ मैं दोस्तों, ये कपलर को बाहर ले लेता हूँ मैं। ये देखिए काय को यदि मेहनत करूँ, कपलर खींच के निकाल लिए बाहर अपने दोस्तों, सिंपल सी बात है। अब क्या करेंगे, इसमें जो टूटा हुआ है ना उसको ज्वाइन करेंगे। अपने को लगाना किस में मालूम है क्या, ये दिख रहा है आपको, काला है हल्का पीला है सिंपल सा, और वही बार टूटा हुआ है तो इसमें हम डाल देंगे कुछ, इसको कुछ इस तरह से देखिए बहुत प्यार से ये घुसा दिए। उसके बाद में इसको हम इसको ऐसा कर देंगे, और ये जो सॉकेट है ये इसको कुछ इस तरह से लगा देंगे। देख रहे आप देखोगे ये लग गया इसके अंदर, देखा आपको मैंने इसको लगा दिया। ओके पिछला हिस्सा टूटा हुआ है दोस्तों, तो उसको मैं इसको कुछ इस तरह से जोड़ दूंगा। ये देखिए ये वाले तार में अगर सही सही नहीं दिखता रहेगा दोस्त तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, बट कोशिश करो दिखाने की आपको। ओके फ्रेंड ये देखिए ये मैंने यहाँ जोड़ दिया, अब ये कंप्लीट हो गया। अब क्या करूंगा इसको, उसमें टेप मार दूंगा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर दोस्तों ना 4 और 5 बोल्ट की ना सप्लाई आती है दोस्तों। ओके और वैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया भी था दोस्तों कि जो पीला और काला वाला दोस्तों ये काफी जगह गया है, जैसे कि अपना टीएमएफ सेंसर में गया है, घड़ी वाले में गया है दोस्तों, यहाँ पे भी आया हुआ है दोस्तों। ओके उसको मैं टेप मार देता हूँ कि कहीं टच ना हो। अब दोस्तों ये देखिए ये भी टेपिंग हो गई। साबिर भाई का एहसान मानो भाई कि भाई फोन पकड़ लेते भाई तो अपने को ना काम दिखाने में आसानी पड़ जाता है। अगर साबिर भाई नहीं रहते ना भाई तो आपको पता ना एक हाथ से फोन पकड़ना और एक हाथ से काम इम्पॉसिबल नहीं हो पाता भाई, इसलिए मैं ना काट पीट के दिखाना पड़ता भाई। अब ये देखिए ये तो हो गया परफेक्ट। अब जब भी ब्लॉक खोलेंगे अपन ना इसको दबा के अलग कर देंगे है ना, इसको नीचे में लगा देता हूँ मैं। और लगाने से पहले एक चीज में दिमाग में बात आई दोस्तों, ये आपको दिख रहा है नीचे कुत्ता सोया हुआ दिख रहा है, ये दोस्तों अपना ही कुत्ता है दोस्तों। और कभी भी जब आप गाड़ी दोस्तों स्टार्ट करो ना तो एक बार ध्यान देना, कहीं ऐसा तो नहीं अपनी गाड़ी के नीचे कोई कुत्ता सोया है या बैठा है या लेटा है, उस चीज का तो ध्यान देना, उसको हटा डालना। जो कई बार ऐसा भी हुआ कुत्ते सो रहे हैं, और कोई कुत्ते थोड़ा ढीट होते वो सो ही रहते, गाड़ी चार्ज होती है उनपे चढ़ जाती है और फिर मसले बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि कोई इसका दोस्तों ट्रीटमेंट यहाँ से कराता नहीं है। मैं यहाँ पे हूँ तो काफी कुत्ते दोस्तों हॉस्पिटल लेके जाता हूँ या उनको बुला लेता हूँ मैं, आपके तो बड़ा वीडियो में देखे रहेंगे दोस्तों। तो चलिए सर कपलर लगाते हैं अपन, और फिर चल के देखेंगे अपन कि इसका जो चेकलाइट है वो अपने आप जाता है या अपने को इरेज करना पड़ता है। ये दोस्तों पता ही आपको ब्लॉक के पीछे रहता है, जगह काफी कम रहती है, आपको मैं दिखा दूंगा एक सेकेंड। ये इधर लग रहा है देखा आपको, ये यहाँ पे लगा रहा हूँ उसमें दोस्तों, कपलर लग चुका है। चलिए चेक करते हैं कि दोस्तों सही में कि नहीं हुई। ओके अब दोस्तों को इसको इरेज करेंगे नहीं लाइट को, ये देखिए देखते हैं अपने आप दोस्तों लाइट बंद होती कि नहीं होती। ओके ये चेक लाइट चालू है, अपन गाड़ी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लाइट बंद होती है या अपने को इरेज करना पड़ता है। ओके दोस्तों ये देखिए लाइट जल रही है, इरेज नहीं हुई है, बंद नहीं हुई है। अब अपन उसको दोस्तों इरेज करेंगे, और जब भी इरेज करना पता है आपको दोस्तों गाड़ी बंद करना, चाबी ऑन करना है, और बहुत इजी है दोस्तों ये टूल चलाना, कुछ नहीं करना दोस्तों, सिंपल ओके कर देना ऐसा, ये पेज खुल गया तो बैक मार देना, एग्जिट मार देना दोस्तों, एग्जिट मार दिया दोस्तों,
ये दोस्तों अपना पता ही आपको रीड DTC, इससे दोस्तों अपना कोड को अपन सर्च कर देते हो गाड़ी में क्या कोड है। और ये दोस्तों अपना क्या है, क्लियर DTC, मोस्टली दोस्तों अपने यही जरूरत पड़ती दो की। यहाँ पे आ गए, सिंपल एक बार ओके कर दिए और एक बार यस करना दोस्तों अपने को, ओके कर दिया दोस्तों सिंपल सा। अब ये दोस्तों कोड डिलीट हो गया। अभी आप चेक कर दे इसमें कोड है कि नहीं है, लेफ्ट में भी आ गए आप उन्हें दोस्तों चेक करें, गाड़ी में दोस्तों कोई कोड नहीं। ओके एक तरीका ये हो गया। एक तरीका दोस्तों ये भी है, F1 दबाए दोस्तों और पता चल जाए अपनी गाड़ी में कोड है कि नहीं। ओके ये देखिए, ये दबाया मैंने F1, नो कोड। ओके दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लाइट गई कि नहीं गई। मैं जो चाबी बंद करता हूँ, मैं चाबी बंद किया, चाबी चालू करा और गाड़ी दोस्तों मैंने स्टार्ट करा, देखो ये लाइट दोस्तों बंद हो गई। ओके फ्रेंड तो दोस्तों बाय, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। और तब तक जो लोग दोस्तों चैनल पे नए हो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बाकी हमारे भाई से बात कर लो कैसा लग रहा है इनको। हाँ भाई अभी तक गाड़ी का काम हो गया है, इंशाल्लाह चला के देखते हैं थोड़ा कैसा हुआ है। फिर हलीम भाई को कुछ शिकायत रहेगी तो शिकायत करेंगे, क्योंकि हलीम भाई जानी मानी पहचानते हैं पूरी 90 फिट पे, सब में बढ़िया मैकेनिक है हलीम भाई, जो लोग नाम से पहचानते हैं हलीम भाई को। 90 फिट बैठो बैठो बिल्डिंग के पास आएंगे 90 फिट पे, और अलीम भाई का नाम आप पूछेंगे, अलीम भाई मैकेनिक। तो सद्दाम भाई तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई? हाँ भाई गाड़ी अलीम भाई ठीक। क्या फॉल्ट था तुम्हारी गाड़ी में? कोई गाड़ी बंद पड़ रही थी चलते पे, सीएनजी ज्यादा खा रही थी, तो वो अलीम भाई बोले मैं देखता हूँ, तो अलीम भाई ने काफी काम किया, कोई बार टूटा हुआ था वो आपको दिखाए थे। तो फिलहाल में तुम्हारी गाड़ी एकदम ठीक हो गई, और तुम्हें कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, अभी भाई चलाने के बाद पता चलेगी गाड़ी कैसी चल रही है, मैंने अच्छा, चलाई तुम्हारे सामने वैसे ठीक हो गई जो फॉल्ट था? सामने तो भाई एकदम ठीक हो गई, अभी मैं चला के एक दो भाड़ा उठाऊंगा, अच्छा है ठीक हो जाएगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो जो बाहर की पब्लिक है उनको बुलाना चाहोगे? हाँ भाई जरूर आए, और हलीम भाई के गैरेज पे आए, हलीम भाई बहुत अच्छे मैकेनिक है, बहुत पुराने मैकेनिक है। अच्छा इनका एड्रेस कहाँ पे भाई, एड्रेस बताना चाहोगे? भाई साकी नाका 90 फिट रोड डिसोजा नगर बिल्डिंग के पास में है, 3 नंबर खाड़ी के पास में 90 फिट है, वहाँ पर हलीम भाई को आप कोई भी कहीं पूछेंगे, हलीम भाई को आप सब लोग हर कोई बताएगा। तो गाइस इनकी गाड़ी हो चुकी है एकदम ठीक, और इन्होंने अभी एड्रेस बताया है सागी नागा 90 फिट डिसोजा बिल्डिंग, साथी बिल्डिंग ना, डिसोजा साथी साथी बिल्डिंग। और ये सामने का व्यू है, किसी से पूछ के आ सकते हैं। और ये हमारे जो भाई हैं इनकी गाड़ी एकदम ओके हो चुकी है, तो जब भी आना आप तो 90 फिट साकी नाका साथी बिल्डिंग। और भाई आप हमारा अलीम भाई को आप फॉलो करो, बहुत बढ़िया मैकेनिक है, उनकी हिम्मत बढ़ाओ, हौसला बढ़ाओ। तो ये हमारे भाई बोल रहे हैं कि अलीम भाई को फॉलो करो, हौसला बढ़ाओ, तो भाई की ये बात जरूर सुनना, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके और अपने दोस्तों में शेयर करो, किसी की गाड़ी खराब हो तो फिलहाल में उसको वीडियो व्हाट्सएप पे भेजो और बोलो कि साकी नाका 90 फिट पे ऐसे ऐसे बंदा रहता है, अगर आप मुंबई के आसपास में कहीं रहने वाले हो आपकी गाड़ी एकदम ठीक हो जाएगी। और मेरा भी चैनल है साबिर खान 01 ब्लॉग, एक बार उसको सब्सक्राइब करो और एक बार उसका भी ब्लॉग देखो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।